उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह 29 नवंबर को विश्वविद्यालय परिसर में धूमधाम से मनाया गया। विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पद्मश्री अशोक भगत व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने दीक्षांत समारोह शुरुआत की। विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रदेश भर के 75 जनपदों के कॉलेज से लगभग 26,000 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गईं, जिसमें हरिद्वार से आए दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संचालक आशीष गौतम को LLD की उपाधि दी गई। वहीं नोएडा की रहने वाली दीक्षा चुक को भी स्वर्ण पदक मिला। 26,000 डिग्री एवं डिप्लोमा दिया गया और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी 75 जनपदों से आए थे प्रतिभागी। और इस अवसर पर महामहिम का उद्बोधन में प्राप्त हुआ और 14वें दीक्षांत समारोह हमें यह शिक्षा देता है कि शिक्षा सार्थक वही है जिसका सामाजिक सरोकार हो। यदि शिक्षा का सामाजिक सरोकार नहीं है तो उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। आज महोदया ने जो हमें वो दिया है, जो एक प्रेरणा दिया है, चाहे वो दहेज हत्या का क्षेत्र हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या का क्षेत्र हो, चाहे निर्धनता निरक्षरता अव्यवस्था का जीवन हो, सबके लिए हम क्या कर सकते हैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हुए वह हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारी भूमिका इस चारदीवारी के अंदर केवल नहीं है, हमारी भूमिका इस चारदीवारी के बाहर जो एक व्यापक समाज है उसके प्रति भी है। रोजगार परक शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। विश्वविद्यालय को ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करने होंगे जिससे छात्र छात्राएं रोजगार हासिल कर सके। हालांकि मुक्त विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रयास कर रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए MOVEEVEE आगामी सत्र से रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। ये विचार उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सूबे के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने व्यक्त किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्र छात्राओं से शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने की बात कहते हुए कहा कि दहेज प्रथा सहित समाज में व्यापक कुरोतियों के खिलाफ छात्राओं को मुखर होकर सामने आना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि छात्राओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, देश प्रदेश में दहेज जैसी कुप्रथा कैसे खत्म हो इसके प्रति भी जागरूक होना होगा। उन्होंने भौतिकवादी शिक्षा के प्रसार का विरोध करते हुए मूल्य परक शिक्षा पर जोर देने की बात कही। उन्होंने इसे विश्वविद्यालय के लिए चुनौती बताते हुए कहा कि इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री अशोक भगत ने भी आनंदीबेन पटेल के उद्बोधन का समर्थन करते हुए देश व प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर अपने विचार रखे। नहीं, देश की ऐसी आवश्यकता है, राष्ट्र की जो चैलेंजेज हैं और जो संवेदनशील नौजवान होगा और इस चैलेंज को स्वीकार करेगा, देशभक्ति का माने यही हुआ। जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है उसके प्रत्यक्ष में आपने कहा, प्रदूषण बढ़ने का कारण है कि शहरों में आबादी बढ़ रही है, शहरों की आबादी को रोकना पड़ेगा और इसका विकल्प एक ही है कि शहरों से आबादी कम की जाए, गाँव को स्मार्ट बनाया जाए।